यूजली इंडियन फैमिलीज में फॉर द लॉन्गेस्ट एक कॉन्सेप्ट देखा गया है कि जब आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स होते हैं तो आपका भी अनसेड प्रोफेशन यही बन जाता है. यू डोंट गेट टू चूज कि आपने क्या बनना है फ्यूचर में. लेकिन मेरे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने वाले हैं. कमिंग फ्रॉम द फैमिली जहाँ पे मेडिकल बैकग्राउंड है सब लोगों का, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दक्ष. हाई दक्ष. So Daksh, many congratulations. बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने. Breaking stereotypes. How do you feel about it? It feels really good. And what about your family? I mean, do they object कि आपने medical क्यों नहीं choose किया and why did you go for engineering? नहीं, they said me to follow just my passion. If I love maths, they agreed to pursue engineering. तो जब मैं 9th-10th में था तो मैंने देखा कि मेरा मैथ्स की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग ऑप्ट करना चाहिए. So when you made this call कि मुझे engineering ही करना है, तो I'm sure आपने ये भी सोचा होगा कि इस पूरी process में मेरा support और मेरा साथ कौन देगा? I mean बहुत सारे institutes हैं, आपको आपने सिर्फ और सिर्फ आकाश बायजूस ही क्यों choose किया? तो main reason ये था कि आकाश जो है, मेरा जो brother है, elder brother, वो भी आकाश से पढ़े हुए हैं, तो मेरे को पता था कि आकाश के teachers काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए first reason ये था. और दूसरा था कि मेरे घर से सबसे पास जो institute था वो भी आकाश था, तो मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा benefit मिल गया था मेरे को इस चीज़ का. ओके, सो आपको ऐसी कुछ प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, स्टडीज़ में कुछ डिफरेंस लगा जब आपने आकाश बायजूस ज्वाइन किया? आपकी स्टडीज़ में कैसे चेंजेस आए? पहले मैं काफ़ी 9th-10th तक रैंडमली पढ़ता था, लाइक मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था और मेरा कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था पढ़ने का, तो जिसकी वजह से मतलब रिजल्ट अच्छा आता था लेकिन उतना अच्छा नहीं आता था. और आकाश में मेरे को टीचर्स के द्वारा काफ़ी गाइडेंस मिला और उससे मेरा एक प्रॉपर शेड्यूल बना पढ़ने का, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ. ओके, सो नाउ दैट यू हैव स्पोकन अबाउट शेड्यूल, सो आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि दक्ष की पढ़ने की स्ट्रैटेजी थी कैसी. आई मीन क्या आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते थे, ब्रेक्स लेते थे, क्या एग्जैक्टली आपने कैसे जो टारगेट अपना सेट किया वो अचीव कैसे किया? तो मेन जो हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो उसके लिए लॉन्ग सिटिंग हाँ होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि उससे एफिशिएंसी कम हो जाए. तो ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपको लंबे टाइम तक पढ़ते ही रहना चाहिए. ब्रेक्स लो लेकिन काफ़ी आपको सफिशिएंट सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो. ओके, सो दक्ष का रूटीन कैसा रहता है जब वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे? अभी एडवांस के बाद तो ऐसा है कि कोई फिक्स शेड्यूल है नहीं, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते. ओके, सो व्हाट डू यू लाइक, कोई पैशन आपका, कोई ऐसी हॉबी जो आपने अपनी प्रिपरेशन में नहीं परस्यू की? ऑफ कोर्स बिकॉज यू वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर ड्रीम, नाउ दैट यू हैव टाइम तो अब आप करना चाहोगे? मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो आई वुड लाइक टू ट्रैवल अलॉट. और साथ में मुझे टेबल टेनिस खेलने का बहुत शौक है, जो मैं पिछले 2 साल में नहीं खेल पाया ऑब्वियसली, तो वो भी मैं खेलना चाहता हूँ. Okay, now coming to a very very important question जो बहुत सारे students wait करते हैं सुनने के लिए from of course an experienced person. आपने अपनी journey जो है वो पूरी कर ली है, लेकिन बहुत सारे students अभी उस journey पे, you know, they are just a beginner and they want to start, तो उनके लिए आपके tips क्या रहेंगी? Firstly ये है कि अपने teachers को blindly follow करना ज़रूरी है, उन पर पूरा faith होना ज़रूरी है, और self study का time उनको ज़्यादा रखना चाहिए, और हर एक पोर्शन ऑफ टाइम को उनको यूटिलाइज करना आना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो मतलब कि उसको फॉर श्योर ले रहे हैं कि मैं इस टाइम तो पढ़ ही नहीं सकता. तो आपको जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि आप वो रिवाइज कर लो. तो कोई भी पोर्शन ऑफ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि अगर अभी वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो उनको 12th में और या फिर एग्ज़ाम से पहले उतना प्रेशर नहीं होगा. That's a very good piece of advice. I'm sure आप इस बात को सुनेंगे और notice करेंगे और याद भी रखेंगे. Now coming on to the future, I mean everybody gets very anxious thinking about your future. तो आपको क्या लगता है कि आपने exactly अपनी dream life कैसी imagine की हुई है, कि आगे क्या होगा? आगे अभी इतना तो नहीं सोचा, लेकिन ये कि college में जाके explore करेंगे ज़्यादा और entrepreneurship के बारे में देखेंगे, और यही है, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचा.
That's very nice and we wish you all the best for your future, Daksh. So, यहाँ दक्ष की success story सुनकर मुझे बहुत realizations हो रही हैं और एक सबसे बड़ी realization ये है कि जब भी आप stereotypes break करते हो तो थोड़ी सी nervousness और anxiety रहती है. My takeaway from this conversation is कि दक्ष ने अपनी इस पूरी conversation में mention किया कि blind faith होना बहुत ज़रूरी है अपने teachers के ऊपर, लेकिन आप सब पे विश्वास नहीं कर सकते. For that, you need the best. लेकिन वो बेस्ट मिलेगा कहाँ? There's one platform waiting for you. It is Akash Byju's. Visit our website akash.ac.in right away.